इसको शायद ऊपर से जलाते होंगे। अरे माय गॉड, डरा दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तिमी के कर रहे छे यो बताओ। मम्मा बना दी छु। और मम्मी क्या कर रहे हो? मैं रोटी बना रही हूँ। किसके लिए? खुद के लिए। हमारे लिए नहीं बनाओगे? नहीं। क्यों? अपना अपना रोटी खाओ बना के। वैसा हो गया? हाँ। अच्छा, यहाँ मम्मी ने रोटी जला दिया, देखो यहाँ पर ऐसे बनाते रोटी, पूरा रोटी जला दिया। तो हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से, आलू न्यूट्री की सब्जी एंड दही एंड रोटी। तो इसको खाते हैं, देखते हैं। लो, तोड़ना तू। मैं कैसे तोड़ू, इतना बड़ा है। मैं नहीं तोड़ सकता। तोड़ना बाबा। इतनी छोटे पीपे में जले गए, इतना क्यों काटा आपने इसको? है इतना क्यों काटा इसको, ये पीपे को? क्या हुआ? ये लो। खींचो इसको। नहीं, ठंडी है आजकल। हेलो गाय, गाय, हेलो गाय। चावल आ चुका है हमारा लंच, एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फटाफट से खाता हूँ मैं इसको, कैसा बना है कैसा नहीं। तो वैसे दुकान में बैठ के बोर हो गया मैं बहुत ज़्यादा, पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे हैं खड़ खड़ के, एंड आज मैं स्कूल भी नहीं गया। सो कोई बात नहीं, कल तो मेरा बर्थडे 8 नवंबर। सो कल देखते, कल न्यू ब्लॉग आएगा। तो अभी मैं दुकान से निकल चुका हूँ, एंड अभी मेरे को मार्केट जाना है, तो एक छोटा सा केक लेना है, 12 बजे के बाद उसको काटेंगे, एंड बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो चलते अभी मार्केट एंड देखते हैं। दिन को तो वैसे बारिश पड़ रही थी, अभी मतलब मौसम ठीक ठाक है, अभी मौसम साफ हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। दिन को तो मैं बस ऐसी दुकान में बैठा रहा, मतलब बाहर नहीं गया कहीं पर भी, बस दुकान में ही, एंड बहुत ही बोर हो गया था गाइस। सो कोई बात नहीं, वैसे मनाली में ठंड बढ़ चुकी है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे हर बार मैं मतलब इसी रास्ते से आता हूँ, तो यही रास्ता मतलब शॉर्ट पड़ता है मार्केट के लिए, तो यहीं से मैं जाता हूँ, एंड यहाँ से मतलब जल्दी पहुँच जाते हैं। तो चलना सेहत के लिए अच्छा है। मौसम रात को मतलब बादल हो जाता है, सुबह मौसम ठीक हो जाता है, फिर दिन को फिर से बादल हो जाता है, एंड फिर से मौसम साफ़ हो जाता है। पता नहीं क्या है आजकल, वैसे ही शाम शाम होने लगती है, वैसे ही बादल मतलब साफ़ हो जाता है, जैसे अभी हो गया, तब जैसे ही रात हो जाएगी एंड फिर से मौसम ख़राब। तो ये शिव टेम्पल है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैक्सिमम ज़्यादातर देख सकते हो। पहले मतलब ये इसकी जो ऊपर से गोल्डन गोल्डन कवर दिख रहा है इसका, मतलब ऊपर से पहले नहीं था ये गोल्डन कवर, तो अभी इसको मतलब पूरा रिकवर किया है, 1 महीना लगा था इसको रिकवर करने के लिए, तो अभी तो बहुत ही अच्छा बन गया है। तो आप लोग भी, बहुत सारे लोग आए होंगे इधर घूमने के लिए, हाँ
मैं तो हर बार यहीं से जाता हूँ, कॉज मेरा घर इधर ही है, इसी के सामने है। ये वाला कितने का है? ये वाला 700 का है। ये वाला 600 का है। इसमें आयुष लिख दो। सिंगल है। कैंडल भी होंगे? कैंडल भी ले लेना। गूगल पे चलता है ना भैया? 40 वाला कौन सा है? 60 वाला? ये वाला है। ये वाला देखो, छोटा वाला। केक लेके आ चुका हूँ मैं, एंड छोटी जैसी पार्टी करेंगे तो 8 नवंबर को देखते हैं अब करेंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स के साथ अलग से होगा, तो देखते हैं अब होगा या नहीं होगा। वैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई गाइस, मौसम साफ है फिर भी ठंड है। एंड और क्या कहना, अब घर की तरफ जा रहे हैं वापस, एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो घर में पहुंच गया, एंड घर में भी कोई भी नहीं आया, ताला लगा हुआ है। तो गाइज मैं घर पहुंच चुका हूँ, एंड अभी आया तो घर की सफाई भी नहीं हुई है, तो फटाफट से जाकर सफाई करनी पड़ेगी मेरे को। तो मतलब सुबह भी मैं सफाई करके नहीं गया था, तो मम्मी भी पहुंचने वाले होंगे। मैं मम्मी वाले बोल रहा हूँ, तो मम्मी भी पहुंचने वाले होंगे। एंड अभी पूरा सामान मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है, तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो आज है 7 नवंबर, तो 7 नवंबर को गाइज मेरा बर्थडे नहीं होता है, तो 8 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। एंड मैंने मतलब आज 7 नवंबर को केक लेके आ गया हूँ, तो मतलब जैसे 12 बज जाएगा, मतलब 12 एक या दो कितने भी हो जाएंगे, तो उस टाइम केक काटेंगे। 8 नवंबर को ही काटेंगे केक, तो 12 बजे के बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट डे 8 नवंबर को ही अपना मतलब ब्लॉग अपडेट अपलोड करूँगा। सो देखते रहो आप लोग। तो अभी मेरे को फटाफट से नहाना है, फ्रेश होना है, तो मिलता हूँ आपसे, बने रहो। तो अभी मैं घर के बाहर आया हूँ, तो अभी जस्ट डिनर करके आया, तो सोचा कि बाहर टहल लूँ, तो थोड़ा घूम लूँ जाके। तो गाइस मस्त हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एंड मौसम भी बहुत अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से नीचे। सो मौसम तो अभी साफ ही है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:14 हो रहे हैं, टाइम 9:14 हो रहा है अभी। तो 12 बजे के बाद काटेंगे केक, एंड अब वेट करना पड़ेगा 12 बजे तक। तो आप भी बने रहे हो और बने रहो, सॉरी। सो देखते रहो आप व्लॉग। ठंड हो रही है गाइज, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब नहीं रह सकता। जो भी मतलब आसपास से गुजर रहा है ना मेरे सामने से, एंड मैं व्लॉग करके जा रहा हूँ अभी, तो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मैंने उनका क्या ही कर लिया है, पता नहीं। दिन से ज़्यादा ना गाइज अभी मज़ा आ रहा है मुझे व्लॉग करने में। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं। एंड दिन को तो मतलब दिन को भी ठंड होती है, बट उतना मज़ा नहीं आता है, तो रात को भी मज़ा आ रहा है अभी। दिन से ज़्यादा मतलब मुझे अभी बेटर लग रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं 4 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं यही बोल रहा हूँ कब से लेकर। सो चलते हैं, देखते हैं। मेरे ना बिल्कुल कान वगैरह सुन पड़ गए, एकदम। मैंने तो टोपी लगा ली, मस्त एडिटिंग वडिटिंग करके सो जाऊँगा, फिर उठूँगा। मुझे आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ठंड बहुत है गाइस मनाली में। मेरे जो हाथ है ना, ये भी सुन पड़ गए बिल्कुल। पहुंच गया, शुक्र। के बैंगन लेने? 50 किलो। ठीक है।
तो मेरे को फिर से मतलब सामान लाने भेज दिया है। 9:30 हो रहे गाइस, तो फिर से मेरे को सामान लाने भेज दिया नीचे। तो मैं अभी जस्ट बाहर से घूम के आया था एंड फिर से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। एक तो वैसे ही ठंड है बहुत ज़्यादा। और मेरे चैनल पे देखना आप, एक फर्स्ट नंबर पे गोस्ट की वीडियो है जो मैंने मनाली करके डाली है। सो वो मतलब रियलिटी है इधर, जहाँ मैं अभी आपको एक जगह दिखाऊंगा एंड वो जगह ऊपर से शूट किया हुआ है, वो जगह आपको दिखाऊंगा मैं अभी एंड वो रियल वीडियो। तो उसमें 18K व्यूज़ आए हैं, तो सबसे फर्स्ट में आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। एंड अभी मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ओह, अभी मैं यहीं से घूम के गया था, वापस इधर ही आ गया। सो ये वाला प्लेस है वो वाला, तो वहाँ से ऊपर से शूट किया था वो बिल्डिंग से। तो ये वाला प्लेस है, तो यहाँ पर पहले डंगा बना हुआ था, मतलब दीवार की एक लेयर बनी थी, तो उसको हटा के मतलब यहाँ पर ये बन गया। तो बैंगन लेके मैं आ चुका हूँ, बैंगन लेने भेजा था गाइस मेरे को 50 रुपीज का 1 kg। तो टाइम अभी 9:40 हो रहे, अभी हमारे पास एग्जैक्ट 2 hours 20 minutes है, कोई बात नहीं गाइस। सो अभी 11:59 हो चुके हैं एंड गाइस हो जा। सो फाइनली 12 बज चुके एंड इट्स माय बर्थडे। ओ कैंडल कहाँ गया, मैं कैंडल भी लेके आया था। फैमिली तो सब सो गई गाइस एंड मैं अकेले ही बचा हूँ। शायद इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे लगाए, इसको शायद ऊपर से जलाते होंगे। ओह माय गॉड, डरा दिया। सो यहाँ पर आयुष लिखा हुआ है। Happy birthday for me. कल होगी गाइस पार्टी, ये तो मतलब छोटा जैसा ही था, मतलब मैंने खुद से सेलिब्रेट किया ये अपनी खुशी में। मैं चाहता था कि मैं अपने बर्थडे में मैं खुद ही सबसे पहले अपने आप को विश करूं। तो हो गया। चलो अब पैक करने का वक्त, बन गया मेरा बर्थडे। जैसे मेरा मतलब केक कटा एंड मैंने फर्स्ट सेकंड बाइट डाला था तो मुंह में, तो वैसे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया अक्षत, तो उसने मेरे को सबसे पहले बर्थडे विश किया है। तो अक्षत शर्मा के नाम से, वो अपना बेस्ट फ्रेंड है। सो थैंक यू अक्षत शर्मा। इसको मैं पैक करता हूँ, तब मुझे इसको बंद करना ही नहीं आ रहा, कैसे हो गया बंद मुझे पता ही नहीं लग रहा है। इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, सुबह देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग है तो आप तक पहुंच सके। सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ एंड सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ वीडियोज़ वगैरह। सो आज अभी तो 12 बज गए। सो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।